इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। क्या कुछ फौजें मूव नहीं कर सकती पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की में जाके बैठ सकती हूँ? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वरना तो ये फ़लस्तीन का जो मसला है और जो वो ज़मीन है वो यहूदियों के पास चली जाएगी, वो वहाँ पे एक भी फ़लस्तीनी को नहीं रहने देंगे। जी अंजम, देखो ये जंग की बात करना तो मैं समझता हूँ जहालत की बात करना है। पाकिस्तान दुश्मनी है, बल्कि पूरी इंसानियत की दुश्मनी है। लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ दे है कि 70 साल हो गए हैं और इसमें बड़ा हिस्सा जो है जिसमें फ़लस्तीन पर वो मज़ालिम हुए हैं कि जो बयान करते हुए आदमी की ज़ुबान लड़खड़ा जाती है और जहन मौफ हो जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया फ़लस्तीन के मसले पे डिवाइडेड है, और ऐसा भी नहीं है कि एक तरफ उनके हामी हैं, यहूदियों के हामी हैं, एक तरफ मुसलमानों के हामी हैं। इस डिवाइड के अंदर जो है, जो असल इशू है, वो रिजॉल्व नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि अब दुनिया में किसी ऐसे आदमी को खड़ा होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों में से किसी को खड़ा होना चाहिए कि दोनों को एक साथ बिठाए और कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, समझ की बुनियाद पर, और जो है इसका कोई फैसला किया जाए। ये फैसला एब्स्ट्रैक्ट इंसाफ पर नहीं होगा, ना ये किसी मज़हब की बुनियाद पर होगा। ये फैसला जो है पॉलिटिक्स की बुनियाद पे होगा, कुछ ले की, कुछ बार्गेनिंग की बुनियाद पे होगा, और इसको बार्गेन करना पड़ेगा। वरना ये इस जुल्म, वरना अगर आप बार्गेन नहीं करना चाहते, इसको मसले को हल नहीं करना चाहते, तो मैं कहूंगा कि आप फलस्तीनियों को मुसलसल कत्ल होता देखना चाहते हैं? आप फलस्तीनियों का कत्ल रुकना चाहिए और इस कत्ल को हर कीमत पर रुकना चाहिए और इसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। जहाँ तक आपकी बात है कि दुनिया डिवाइड है, दुनिया बिल्कुल डिवाइड है। दुनिया डिवाइड नहीं है, दुनिया अंधी हो गई है, खामोश हो गई है, दुनिया देख नहीं पा रही वो जुल्म जो नजर होता हुआ हो रहा है। दुनिया देख नहीं पा रही कि जिस तरह गरीब बच्चों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, दुनिया ये देख नहीं पा रही कि जिस तरह औरतों की इज्जतें अजमतें लुटती जा रही हैं, जिस तरह जनाजे उठ रहे हैं, जिस तरह इसराइल अपनी ताकत के नशे में उन इलाकों पे कब्जा करता जा रहा है जिन पे 1950 से लोग आबाद हैं। ये दुनिया देख नहीं पा रही, इसलिए नहीं देख पा रही कि हम मुसलमान बहसियत रियासत, बहसियत लीडर, हम कमज़ोर हैं, ना हम यूनाइटेड हैं। बात यह है हम अमली इकदाम क्या कर रहे हैं, स्वाय हम ट्विटर्स पे अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं, अपने फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। क्या अभी तक OIC ने हंगामी इजलास बुला के कोई अमली इकदाम करने की तरफ तवज्जो दी? नहीं। क्यों? कि वेस्ट की तरफ से मुझे बता दें कि फलस्तीन के हक में आज तक कौन बोला है? सब के सब, इसलिए कि वो सब गुलाम है। आप उनसे उम्मीद करेंगे? कल मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स, उसका स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है, वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। बात यह है कि आपको ताकतवर होना पड़ेगा बहैसियत मुसलमान, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अमली इकदाम करने। अगर नेटो की फोर्स बन सकती है तो OIC की फोर्स क्यों नहीं बन सकती है? जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, मेरे ख्याल से हमें जंग मंग की बात छोड़ देनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं अंजुमन शीर साहब, और यहाँ से ये मिलते हैं, ये जो हॉस्पिटल है उसके पास फूलों की दुकान है, वहाँ से गुलदस्ते लेने चाहिए और वफद बन के जाकर नेतन्याहू साहब की खिदमत में पेश करने चाहिए कि जो आपने किया बहुत अला किया और अल्लाह के फजल से इसको करते रहिए। जंग लड़ लें। अब आप मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन, ये तय कर लें आप। ये पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पर रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब UAE हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं उनसे, हमने बातचीत करनी है ऐसी बातचीत और ऐसी अप्रोच पर। एक बात, आप जंग चाहते हैं ना बाबा, जंग, ये जंग के अलावा मसले हल होने ही नहीं। आपने क्यों बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने क्यों अपनी इतनी बड़ी फौज रखी? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप। वो आप ये न्यूक्लियर, ओ यार यहां बैठ के हम दुनिया के मामले बन रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, हाय मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए मर रहे हैं हम, दुनिया के मामले बन रहे हैं। आप मुल्क के अंदर आजादी देते हैं ना बाहर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात में बोला,
आप मुझे बात करने दें, मेरा आर्गुमेंट है, मेरा अपना मौकफ है। आप एटमी जंग की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं एटमी जंग से भी ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ अगर मुसलमानों की बचत हो सकती है तो, एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई, चीन ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया, लिया। पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है, किसी कमजोर के साथ नहीं खड़ा होता। पड़ेंगे बातचीत से किसी मुसलमान मुल्क का, किसी मुसलमान कौम का कोई मसला वेस्ट हल करने नहीं जा रहा। ये मुझसे आप लिखवा लें, आप कमजोर हैं, उनके इत्तेहाद स्ट्रांग है। आप मुसलमानों का अगर एक इत्तेहाद बना के तो देखें वसाइल कहाँ हैं, कुव्वत कहाँ है, अफरादी कुव्वत कहाँ है, फौजें कहाँ हैं, असला कहाँ है। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की यह हालत की है, और इन रवैयों के को बरकरार रखने वाले लोगों से अल्लाह ताला इस मुल्क को पनाह दे दे। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आप देख रहे थे दोस्तों, पाकिस्तान में जो इज़राइल और फिलिस्तीन को लेकर जो मतलब एक जंग का मैदान बना हुआ है पाकिस्तान का मीडिया, हालांकि ये कुछ कर नहीं सकते। या तो ये अपने मीडिया पर भोंक सकते हैं या ट्विटर हैंडल पर, कीबोर्ड पर अपने उंगलियों की ताकत से बस प्रेस कर सकते हैं और बस फालतू की चीज़ें लिख सकते हैं, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान में भी हो रहा है, आपको भी पता है, आप देखें तो कैसा माहौल बना हुआ है। ट्विटर सोशल मीडिया पर अगर आप जाएं तो चेक करें तो दोस्तों, आपने ये इस पत्रकार को सुना, ये इस तरीके की बातें कर रहा है जैसे साला बेवकूफ़ न्यूक्लियर बम की दम दिखाकर ये कश्मीर भी आज़ाद करा लेगा और फिलिस्तीन को भी, मतलब जो इसराइल है उसकी छुट्टी करके पूरा हिस्से को फिलिस्तीन घोषित कर देगा। इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी ये बातें कर रहा है। पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या सोचता है। चाइना ने इंडिया से हिस्सा ले लिया अपना जंग करके, कौन सा हिस्सा ले लिया भैया? अभी जिस लद्दाख में जो टेंशन हुआ था, वो दोनों एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इंडियन आर्मी भी पेट्रोलिंग कर सकती है, चाइनीज़ आर्मी भी पेट्रोलिंग कर सकती है, लेकिन चाइनीज़ आर्मी ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था, जो कि अब वो पीछे चली गई है। ये कहानी हुई थी, कोई इंडिया के हिस्से में आकर उसने तो कब्जा किया नहीं था। इस तरीके का मतलब ये फेक न्यूज़ तो फैलाएंगे, और इंडिया में भी ऐसा बहुत फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, आपको भी पता है। तो गाइज़, अब इनका क्या कर सकते हो आप, इनको तड़पते हुए देखो, बस एंजॉय करो। ये रोते रहेंगे, इनका ये काम है। मतलब आपको क्या लेना देना है फिलिस्तीनियों से? अगर मान लो दुनिया के किसी 5-6 हज़ार किलोमीटर किसी हिस्से में कोई जंग हो रही है, उसको लेकर अपना सीना पटको, रो, टेंशन में आओ, क्या करना उससे? तो अच्छी बात है, एंजॉय करो। गाइज़, आपको बता दें, सऊदी अरेबिया ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है उसमें, पहले तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला था कि आप उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से पहले पत्थर को लेकर क्यों गए? पत्थर लेकर गए थे लोग, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ने के बाद फोर्सेस पर पत्थर से अटैक किया, जिसके बाद से ये सब प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन अब सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि दोनों देश के लीडर एक दूसरे से पॉलिटिकली मामले को सुलझाएं, जंग ना करें। इससे ज़्यादा सऊदी अरेबिया ने कुछ किया भी नहीं। और एक बात ये भी है कि 55 के 55 मुस्लिम देश अगर एक आर्मी बनाकर भी इसराइल पर जाएं, आप इसराइल का नक्शा देखेंगे और उसके आजू बाजू देखेंगे, सारे मुस्लिम देश हैं। किसी की, मतलब मैं तो यही बोलूँगा, औकात नहीं है कि इसराइल का कुछ पटा लें वो, सीधी बात ये है। और इसराइल पर अभी तक 2500 रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें से इसराइल की ज़मीन में मुश्किल से मुश्किल 300 रॉकेट पहुंचे होंगे, जो कि बहुत होते हैं। और 2500 में से जो 2200 है, या तो वो हवा में नष्ट हो गए हैं, या तो फिर वो उल्टे के उल्टे वहीं के वहीं फिलिस्तीन में गिर गए हैं। मतलब खुद के रॉकेट खुद ही ले रहे हैं वो। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है फिलिस्तीन कि हमें मारा जा रहा। सामने वाला डिफेंड भी नहीं कर सकता, सामने वाला अटैक भी नहीं कर सकता, तो फिर करे क्या वो? फिर उसका एक ही ऑप्शन है, अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। उसके पास यही तरीका है और वो इसी तरीके से सुधारेगा, और फिर सारी दुनिया में इस तरीके के लोग रोएंगे। इनके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये रोना ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, टर्की, इन देशों के, और यस ईरान, इन देशों के मुसलमान ज़्यादा कुछ करते हैं। अरे भाई, तुम अपनी इंडिया को छोड़ दें, आप जो पाकिस्तान, टर्की, ईरान, अपनी तीनों की आर्मी मिला के अपने फाइटर जेट वगैरह भेज दो इसराइल, दम है तो करा लो आज़ाद एक दिन में, तुम्हें उससे कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा, करा लो। ये तो आर या पार की लड़ाई लड़ लो, ये रोना क्या रो रहे हो? सीधी बात ये है। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।